हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू महादेव फैमिली। आज कर रहे हैं हम अपना नया ब्लॉग शुरू। तो मैं उठ चुका हूँ, मैंने पापा को अभी उठा दिया जल्दी से, और अब मैं जाऊँगा नानी के लिए, फिर जाऊँगा मैं स्कूल, फिर मिलते हैं स्कूल के बाद। गुड मॉर्निंग। मेरे किचन गार्डन में लगा हुआ था पालक, मैंने डाला हुआ था उसके अंदर सीड पहले से ही। तो देखो काफ़ी सारा, यहाँ देख सकते हैं आप कितना सारा पालक निकल गया। तो आज मैं बनाऊँगी पालक और मिस्सी रोटी बनाऊंगी मैं, बेसन वगैरह डाल करके। और मैं चलाऊंगा, क्या चलाएगा? ओ, पानी, इसमें पानी भराया, मतलब पेट्रोल। हाँ, पानी भराया है इसके अंदर, पानी से चलता है ये मोटरसाइकिल, पानी से चलता है आजकल मोटरसाइकिल। फ्रेंड्स ये देखिए 6 बजे का व्यू हमारे घर के आंगन से, येलो फ्लावर निकल गया। अब वो इसका कलर अच्छा है ना, उस दिन लाइट लेमन पूरा खिल गया ना। अगर इसको जमीन पे क्या कहते हैं लगाएंगे ना तो ये बड़ा हो जाता है, पर अगर गमले में लगाया हो ना तो बहुत सुंदर। और इतने सुंदर हो गए थे वो यहाँ पे सरसों के बीज ना, मैंने सोचा सरसों हो गई है, मैं एक बारी में सब्जी बन जाएगी बढ़िया ना साग। तो कल मैंने सोचा कल निकालूंगी भी जड़ से ही, और कल शाम को आके देखा तो यहाँ पे मक्की लग चुकी थी। पानी आ गया मेरा, पानी आ गया, लटका हुआ। कल पूरा दिन बादल रहे और हमें भी मज़ा आया खेतों में काम करने का, क्योंकि ज़्यादा धूप में थकान सी होती है और गर्मी भी लगती है, इसलिए कल था मौसम अच्छा, पर आज मेरे को लगता है धूप ज़बरदस्त होगी। अभी सूरज फिर गायब हो गया, ये देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था तो सूरज निकल रहा था। दूध पीने के लिए यहाँ पे आ जाता है, बैठ जाओ नीचे, लेके जल्दी बैठ जाओ। है भाई समझता है तो बहुत सा, ये देखिए आ गया इसके लिए दूध और चल चल सुबह सुबह जब तक ये दूध ना पी ले यहाँ पे इसको भी मजा नहीं आता होगा। देखिए स्पेशल इसके लिए बर्तन रखा हुआ है। आजा शेरू, शेरू कहाँ आएगा? मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अब चलो भैया अब निकल जाओ यहाँ से, दूध पी लिए ना, चलो अभी बैठ नहीं दो, अच्छा बैठ से। क्या चाय अभी पिलानी? चाय पिलानी इसको, बैठ जा नीचे, बैठो नीचे, बैठो बैठो। बेचारे की टांग ही तोड़ दी है किसी ने इसकी, ठीक है मत खाना इसको। मुंह नहीं धोया कुछ नहीं धोया, सुबह चाय मत खा इसको, पढ़ाई इसने करनी नहीं है, परेशान करने का काम करना है। चल जा यहाँ से, ये लग गया जा यहाँ पे लोकल दंगल, अब देखते हैं कितना चलेगा। जा बोल रही हूँ, जगी जरा ऑन करना, पानी गर्म कर कर दिए मैंने। और अच्छा यूनिफॉर्म तैयार कर, यूनिफॉर्म तैयार है, ऊपर बुक्स बैग तैयार कर, वो भी तैयार है। तो मेरा हैंड छोड़ काला नहीं लेके जाना आज, फ्रेश भी गए तो वो अपना रहा है यहाँ पे निकल चुका है पोहा, तो लाया था मैं अपने लिए लेकिन आज बनेगा सबके लिए। क्या कर रहे हो आप गेंती लेके आज? डांस खतरनाक डांस हो रहा है ये वाला की नहीं? तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, ये बोल रहे हैं कि खतरनाक डांस हो रहा है। हम लोगों ने सोचा कि आज ये काम कर लेते हैं क्योंकि साथ में काफ़ी स्पेस बच रहा था, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा भी देंगे। तो हमारा प्लानिंग है यहाँ पर आज हम लोग लगाएंगे यहाँ पर लेडी फिंगर, भिंडी ये साथ करके और यहाँ पर लगा देंगे, और थोड़ी बहुत सब्जी हमारे लिए भी हो जाएगी। तो इस वक्त इनकी हालत हो गई है खस्ता। हाँ जी, कैसा लग रहा है सालों के बाद? मजा आ रहा है, मजा सालों के बाद पसीना मेहनत का निकल रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं बुढ़ापे में काम करना? बहुत मजा आ रहा है। कितने सालों के बाद गेंती पकड़ी है? नो कमेंट्स। तो अभी हम लोगों ने एक खेत कर दिया कंप्लीट, अभी आए हैं दूसरे खेत में, ये देखिए यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये लेटी हुई है, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है और थकान भी हो चुकी है, और पेड़ है चारों साइड, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ छाया में बैठ के, बड़े
3 दिन से कंटिन्यू खेतों में आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा स्टेमिना भी नहीं है, नींद भी लग रही है वाला। अभी थकान की वजह से नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है और जहाँ दिल कर रहा है वहीं पे बैठ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो साइड में कॉर्नर्स रह गए थे जो ट्रैक्टर से नहीं होते हैं, वो तो हमने यहाँ पर बना दिए। और काफ़ी ज़्यादा धूप इस टाइम पे हो गई है और यहाँ पर हमने भी थोड़ी सी लेडी फिंगर बच गई थी, वो हमने यहाँ पर लगा दी। होप फॉर द बेस्ट कि अगर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो क्यों, ठीक नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा धूप बढ़ गई है, तो हम सोच रहे हैं कि अब हम निकलते हैं और कल फिर से आएंगे दोबारा से यहाँ पे, क्योंकि अभी इस साइड को भी काफ़ी ज़्यादा बनाने के लिए है कॉर्नर्स। अगर इन चीज़ों को नहीं बनाते हैं तो ये टेढ़ी गुलाई ऐसे वैसे रहती रहती है ये, और काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी ये खेत देखने के लिए। नहीं तो कल जब हम आए थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उजाड़ है ये ज़मीन, कि कोई आता नहीं है जाता नहीं है। और इवन यहाँ पर वायर्स लगी होती थी, यहाँ पर कंटीली वाली तार जो लगाते थे बंद करने के लिए, तो कल जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर वो वायर ही गायब है यहाँ से। तो जब हम यहाँ आसपास बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि जब तो आप लोग आते ही नहीं है यहाँ पर तो केयर कौन करेगा, इसलिए अगर आते रहते हैं तो ये चीज़ भी बनी रहती है। तो हमें अब यहाँ पर काफ़ी सारा काम भी करना पड़ेगा, तो टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप तेज यहाँ पर हो गई है। देखिए ये वाले रास्ते हैं खेतों से होते हुए, गांव की गलियाँ पगडंडी टाइप में रास्ते, और इस साइड है खेत, दोनों तरफ इस पगडंडी के खेत ही खेत है। और ये ऐसे पगडंडी आगे की तरफ पक्के घर बने हैं, और ये है फार्म हाउस। इस साइड लगाई हुई है सब्जियाँ, मेरे पीछे लगे हुए हैं टमाटर के खेत, जहाँ पे हम आपके एक बार पहले लेके गए थे, और इससे थोड़ा नीचे हमारा खेत, पर हमने नहीं लगाया टमाटर, हमने सिर्फ मक्का और कुछ घास लगाई हुई है जानवरों के लिए। तो ये मेरे पीछे है रास्ता, मैं जाऊँगा यहाँ से क्रॉस होके सब्जियों के खेत है, यहाँ से सब्जी लेके आऊँगा। ये दराटी छोड़ देना उनकी ना, और मैं यहीं रुकती हूँ, गेंती रख दो यहीं पर ही, गेंती उठा के मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। और हमने मोटरसाइकिल आगे लगाया हुआ है, ये लेके आएंगे सब्जियाँ लानी है वहाँ से, खीरा घिया वगैरह, क्योंकि तकरीबन हमारी सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई है। तो अब ये इसी रास्ते से सुबह हम एक नया रास्ता ढूँढा है हमने, वहाँ से आए थे। कल जब हम फिर से आएंगे तो उसी रास्ते से आएंगे, मैं कल वो रास्ता आपको दिखाऊंगी, पर मुझे लग रहा है कि हम इसी रास्ते से ही आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले खेत में तो ज़्यादा काम रहा नहीं है, अब सिर्फ वायरिंग की करना रहा है। तो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। घिया और खीरा, फ्रेश घिया और खीरा हम लोग लेके आए, खीरा बहुत ज़्यादा, दही भी लेके आए। खीरा हम लोग बहुत क्वान्टिटी में खाते हैं और घिया भी, और ये सारा मटीरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर एक लेके आए थे बैग भर के, वो कहाँ है बोरी भर के आपको अंदर, अभी सब्जी मंडी से लेके आए थे तरबूज वाटरमेलन, जो आजकल के खाने के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो यह थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, 20 किलो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 20 किलो 20 किलो तरबूज ये लेके आए, इसको खाएंगे अभी। सब्जी मंडी से ना, दनोटू में सब्जी मंडी सबको ही पता है, वहाँ से लाया था सुबह, मेरे को अच्छा आया था ये वाला आइडिया, रास्ते से दिख गया मेरे को, बहुत अच्छे पीस थे, मैंने कहा चलो डाल लेते हैं। इन्होंने को जब स्कूल गया था लेके तो आती बार मैंने डाल दिया, और नहीं दिखा कुछ मैंगो वगैरह नहीं, वो नहीं दिखे, रोड से देखा ना मैंने, इसकी गाड़ी उतर रही थी, मतलब गाड़ी वाले उतार रहे थे इसको गाड़ी से, मैंने ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये था महाराज का छोटा सा ब्लॉग, अभी थक चुके हैं, अभी नहाएंगे धोएंगे और मैं करूंगा एडिटिंग, और नोनो को जाऊंगा लेने के लिए, ये उसके बाद जाएगी ट्यूशन पढ़ाने। तो आप लोग देखते रहिए महादेव फैमिली और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय।